हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपके अपने योगेरा सिनी ब्लॉग में स्वागत है आपका। हाँ, सो शादी का है आज सेकंड डे, मतलब तैयारी का। आज है हल्दी मेहंदी, बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ स्पीकर्स लेने, क्योंकि इंजॉय भी करना है। 3-4 दिन ही बचे हैं और स्पीकर चला के नाचेंगे, बोल मजा आने वाले हैं, तो स्पीकर लेने चलना है। और मैं अभी तक कुछ ही तैयार ही नहीं हुआ है यार, मतलब ना शेविंग सेट है ना बाल, शादी है घर में और ऐसा हो रहा हूँ मैं। आज ना कोशिश करूँगा सारे काम कर लूँ, शेविंग से लेकर हल्दी मेहंदी सारा अटेंड भी हो जाए मेरा, और मैं जल्दी से जल्दी सारे काम कर भी लूँ। सो चलते हैं, सबसे पहले स्पीकर लाएंगे और मजे करेंगे। आ जाओ, तू चलाएगा क्या गाड़ी आज? है इधर आ जा, चुपचाप से गाड़ी चलाएगा, पहले बड़ा हो जा। 16 साल का 18 के बाद देंगे तेरे को, सिखा तो मैं 2 दिन, सिखा 14 का है, सिखा तो मैं 2 दिन में दूंगा। चलो स्पीकर ले लिया, मैं थक गया, हम दोनों बच्चे बच्चे हैं, क्या करें। आजा आजा आजा, अपन दो ही है, कैमरा कौन पकड़ेगा, देख। तो गाइस स्पीकर्स ले लिए और यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, सो उसकी आवाज ज्यादा आ रही है, ये पड़े दोनों आ गए, सीट हमने फोल्ड कर दी थी, और ये मशीन, ये लोलिस लाल है, सिस्टम निकल गया हमारा, सिस्टम एक बार तो यही रख लो। हाय दूल्हे राजा, हेलो दूल्हे राजा, बढ़िया लग रहे हो, खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, 4 दिन बाद नहीं रहेगी भाई यार, इतने लंबे ऐसे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है यार, आप ही पकड़ लो ना एक बार। हेलो गाइस बोल दो ऐसे करके, हेलो गाइस, वेलकम टू योगीराज सैनी व्लॉग एंड वेलकम टू माय वेडिंग। आप सभी इनवाइटेड हो, अगर व्लॉग में शादी से पहले डलता है तो जरूर आना, नहीं तो आपको पता है डलेगा डलेगा, शादी पहले डलेगा। गाइस दूल्हे राजा खुद लग रहे हैं और मैं भी मशीन उठवा रहा हूँ, हालत खराब हो गई। लक्की और भैया स्पीकर लेके चल रहे हैं, फुल मजे, बहुत चालाक ब्रो, नहीं चालाक, मेरे पे तो बजन ही नहीं आ रहा, आपको पता है, बोल रहा हूँ वही चालाक ब्रो, मेरी हालत खराब हो गई, बहुत चालाक ब्रो। क्या हो गया तो आज से पहले तो दूल्हा नहीं था ना, तब भी तो करता था हाँ। क्योंकि जिन जिन के ब्याह में मैं कराया हूँ ना, वो सारे कोई नहीं आए तो काम कर ही सकते हो भैया। हाँ दीदी आ गई क्या? हाय, थक गया दी उपा जी, डोग खुश रहो यार। गाइस ना मतलब बिना शेविंग कटिंग के ना अभी फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा मेरे को, हल्दी मेहंदी का, बस इतना सा टाइम मिला, चाय पी के फटाफट नहा के हल्दी के कपड़े पहन के जाना है, स्पीकर भी कनेक्ट करने हैं, बड़ा मजा आने वाला है, बस ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बड़ा बड़ा लग रहा हूँ। वो लक्की बोल रहा पहले स्पीकर सेट कर दो, दीदी वगैरह एंजॉय कर लेगी, सो स्पीकर सेट करने जा रहे हैं। तार हाँ वायर कनेक्शन के लिए मैं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, लिया बोर्ड वाला लाना, बोर्ड वाला कहाँ पड़ा, आ जाओ, आ रहा हूँ, बोर्ड में ले आया, थक गया, और यहाँ फैमिली पिक्चर्स चल रही है। हाउस द जोश, फुल मजे, बहुत चला, ओह माय गॉड, 13 प्रो मैक्स। गाइस व्लॉग चलवा दो यार, मैं भी बड़ा वाला फोन ले लूंगा। इस हमारा पोपट हो जा रहा है बहुत देर से, स्पीकर का कनेक्शन कर करके थक गए हम, पता नहीं कब होगा, और ये तो दूल्हे बन के बैठ गए, शर्म भी नहीं आ रही, छोटा भाई परेशान हो रहा है। शर्म आती तो शादी थोड़ी करता हूं। बात तो सही है, शादी में जितनी शर्म आती उतनी कभी नहीं आती भाई। बहुत चालाक, वेरी चालाक, वेरी चालाक ब्रो। भैया यार जल्दी से निपटो, हम भी, हमारा भी नंबर आया, देख लो यार हमें भी, पहले लगा ले तो तेरा नंबर, तो चाचा है मेरा। दूसरी डोरी मंगा रहा हूँ। अरे यार गाइस में ऑन ऑफ का है ना सिस्टम नहीं लिखा हुआ था, हम बार बार बंद करके चेक कर रहे थे, ऊपर ऑन होती है, भैंस की टांग, एक घंटे से पूरा कनेक्शन चेक कर लिए, गांव में कोटक ही कोटक है। चलो बेटा चलना, पोपट हो गया।
फाइनली गाइस कनेक्शन हो गया डन। अब चलते हैं नहा धो के आते हैं, थोड़ा सा सुंदर बन के आते हैं। अभी गाइस मैंने निकाल लिया है अपना सिस्टम भाई, पहन के चलते हैं, मचाते हैं। तुम्हारा भाई बताऊँ कैसा दिख रहा है अभी? नहीं बताऊँगा, नंगा हूँ मैं अभी, बस फटाफट कपड़े पहन के चलते हैं। तुम्हारा भाई हो गया रेडी, बताओ कैसा लग रहा है? सनग्लास मिला ही नहीं यार, टूट गया, दो दोस्त ले गए बिना सनग्लास की, आग लगाते। चलो क्या, लक्की भी रेडी हो गया, देखा लक्की, दूर जा थोड़ा दूर जा, वाह आग लगा देंगे लक्की। देख रहे हो ना, आपको दिखाऊं मैं तो दिख गया, और से भारी भारी लग रही है, सेट होना स्मार्ट लग रहे हो यार आप, स्मार्ट लग रहा है, मोटा हो गया देख, पतले हो एक बार, ऊपर चढ़ रहा है, वाह यार रोक के खड़ा हूं, पतले हो तो मस्त लग रहे हो। हम ना थे कि तुम्हारे भाई के डोले चले, शादी में आग लगाएंगे, अभी ट्रायल के लिए जाऊंगा ना वहां, बस मैं बताऊंगा नहीं क्या सिलाया है मैंने, पर थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। जल्दी स्टार्ट हो, भाग 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 लक्की भाग, चल नहीं होता आ गया, चल 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 चल, देखो ना चला था, हेलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी स्टार्ट हो गई, कैसा लग रहा हूँ? एक बात तो मैं बताना ही भूल गया गाइस, लक्की का सनग्लास लगा लिया, कैसा लग रहा हूँ बताना? अच्छा लग रहा हूँ, लग ही रहा होगा। चलो कम चल रहा है तो पहले से ही मैं लेट हो गया। I'm just thinking about your eyes, just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hell Anthony! Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. मेरे भी लगा दी, would you like if you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mindset? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now, I'm just thinking about our lives, you and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll say सॉन्ग्स
सो फाइनली गाइस हल्दी कंप्लीट हो गई है और बड़ा मजा आया, मजे आ गए, फुल मजे। और अभी बस चलना है, जो ड्रेसेस मैंने सिलवाई है ना उनको ट्रायल के लिए, और बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। सो लाइटिंग भी यही है, अब नाइट हो गई ना तो और कहीं जाके बना भी नहीं पा रहा। सो इसको यहीं डन करते हैं और फिर कपड़े जो सिलवाए उनके लिए चलते हैं। अभी गाइस वहाँ ट्रायल के लिए तो जाने नहीं हुआ, मैं लेट हो गया था। सो मैं आ गया कटिंग शेविंग सेट कराने सैलून, और अभी यही कराते हैं। ट्रायल के लिए जाना था यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ना उन्होंने बोला था एक बार आ जाना पहन के दिखा देना और फिर आपका जो भी कटिंग फिटिंग जो भी बच रहा होगा वो हम कर देंगे। अब कल का तो फंक्शन है संगीत का, सो जल्दी जाकर मेरे को वो लेकर या हैंड टू हैंड वो कराना होगा। संगीत में मैं सिंपल पहनूंगा जो भी पहनूंगा है ना, उसके बाद शादी रिसेप्शन, फिर बड़े भैया की शादी रिसेप्शन, तो मतलब मजा ही मजा, वो सारा भी करेंगे। अभी यहाँ से फ्री होकर चलते हैं जल्दी से। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।